तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके दुश्मन दोनों हाथ जोड़कर अब अपनी औकात पर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा मिलता है। जी हाँ तुला राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम आपको आने वाले अगले 3 दिनों की खास जानकारी देने वाले हैं। तुला राशि वालों, अगले 3 दिन सितारों का यह उल्टी चाल अब भूचाल मचाने वाले हैं। जी हां तुला राशि वालों, आने वाले अगले 3 दिन हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों सितारों का यह उल्टी चाल आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले अगले 3 दिन आपको क्या खुशियां मिलने वाली है या कौन सी मुसीबतों से पाला पड़ने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं तुला राशि वालों। और साथ ही साथ हम आपको आने वाले अगले 3 दिनों की जानकारी देंगे कि सितारों का यह उल्टी चाल आने वाले अगले 3 दिन आपके व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, वहीं आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रेमी जोड़ों व शादीशुदा जोड़ों के लिए अगले 3 दिन कैसे गुजरेगी, आपको क्या सावधानियां रखनी होंगी और कौन सी बातों में ध्यान रखने होंगे, दोस्तों इन सभी के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और एक एक जानकारियां ग्रह गोचर के आधार पर आपको दिया जाएगा। अनुरोध केवल इतना ही करेंगे, वीडियो को आप अंत तक देखें और सभी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियो हर रोज नहीं बनते हैं। सबसे पहले बाबा महाकाल के जितने भी प्यारे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप कालों के काल जय श्री महाकाल लिखेंगे, इससे दोस्तों आपके आजू बाजू में, अगल बगल में जो भी काल मंडरा रहे हैं, उन सभी कालों का बाबा महाकाल आपके जीवन से दूर भगाएंगे। तो प्रेम से बोलिए एक बार जय श्री महाकाल। आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले अगले 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और किस तरह से आपके दुश्मन दोनों हाथ जोड़कर अपनी औकात पर आएंगे। उससे पहले एक अनमोल विचार आपके लिए। देखिए दोस्तों, पाप शरीर नहीं करता और मन करता है, और गंगा में विचारों को नहीं शरीर को धोती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के आचरण, उनके विचार, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनके संस्कार और उनका चरित्र। जिनके जीवन में ये सब है वही इस दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दोस्तों ये अनमोल ज्ञान अगर आप समझ पाए हैं और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा शही बोले गुरुजी। दोस्तों आने वाले अगले 3 दिन बेहतरीन ग्रह स्थिति बन रही है। आपका समझदारी पूर्ण व्यवहार और उचित आचरण नुकसान को भी फायदे में परिवर्तित करने में सक्षम रहेगा। और दोस्तों आने वाले अगले 3 दिन आपको अपने बिजनेस के कामों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपकी छोटी सी चूक या गलती के कारण ज्यादा नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपको कोई अच्छा मौका मिलने वाला है, इससे अच्छे नतीजे भी आपको मिलेंगे। दोस्तों अगले 3 दिन कारोबार में काम ज्यादा होने से व्यस्तता रहेगी। अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो कोई बड़ा लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो सकता है। समय अनुसार आप अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं और अपने जिद्दी और ईगो जैसे स्वभाव को नियंत्रित करें। कुछ लोग आपका अहित करने का प्रयास करेंगे परंतु सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए दूसरों की चिंता किए बिना आपको अपने जो है कार्यों में प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोगों का काम ही है भड़काना, आपको गलत राह दिखाना। तो आपको इन सभी को नज़रअंदाज कर देनी है और उन लोगों का साथ नहीं रहना है जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपको गलत रास्ते दिखाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अभी इन लोगों से दूरी बनाकर रखिएगा तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अभी ग्रह स्थिति अनुकूल है, कोई शुभ समाचार मिलने से मन आपका प्रसन्न रहेगा और आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में समर्थ रहेंगे। धर्म कर्म के मामलों में भी आपकी रुचि बनी रहेगी, जिससे भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, युवा वर्ग अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत सशक्त करने की जरूरत है, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय और पैसा नष्ट न करें। निवेश संबंधित कार्यों को अभी स्थगित ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा इधर उधर करेंगे तो नुकसान के अलावा अभी आपको फायदा जो है नहीं होने वाला है, इसलिए आपको सोच समझ कर कदम रखने होंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, इस समय किसी भी प्रकार का अतिरिक्त काम अपने ऊपर ना लें, वरना अत्यधिक थकान की वजह से आपकी कार्यक्षमता और स्वास्थ्य प्रभावित होंगे और इसकी वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य में रुकावटें आएंगी। वाहन से जुड़ा कोई बड़ा चर्चा भी सामने आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी वाहन खराबी हो सकता है या फिर अगर आप अच्छे से नहीं रखेंगे तो आपके लिए परेशानी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, नहीं तो चोट चपेट आपको इस समय लग सकते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिन वक्त के अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन रखें। विचारों में प्रतिकूलता की वजह से पड़ोसियों अथवा आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ परेशानी होंगी। बच्चों के साथ ज़्यादा रोक टोक करने में उनकी जो है हीन की भावना आ सकती है, इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए और उनकी जो है फीलिंग की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो कि आपके लिए बेहतर रहेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपकी कैरियर बिजनेस को लेकर बात करें तो आने वाले अगले 3 दिन बिजनेस में उन्नति के लिए नए नए रास्ते और नए नए ऑप्शन तलाश करेंगे और उसमें आपको काफ़ी हद तक जो है सफलता भी मिलेगी। किसी कर्मचारी की वजह से कोई नुकसान यहाँ पर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की वजह से नुकसान हो सकता है। दूसरों पर विश्वास आपको नहीं करना है क्योंकि लोगों को बदलने में वक्त नहीं लगता है। किसी भी समस्या को शांति से सुलझाएं और तनाव लेने से परिस्थितियाँ बिगड़ सकती है, इसलिए आपको अभी तनाव नहीं लेना है तो सब कुछ आपका ठीक ठाक चलेगा। ध्यान रखें, अगले 3 दिनों में कोई पुराना मुद्दा फिर से उभर सकता है और अपने स्वभाव को सहज और संयमित बनाकर रखें। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी पारिवारिक लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न कर देता है। दूसरों के लिए व्यक्तिगत मामलों में खुद को दूर रखें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी परिस्थितियां रहने से जरूरी है क्योंकि किसी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर्टी की सेल परचेज संबंधित कार्यों में मुनाफादायक स्थिति रहेगी और नौकरी पेशा लोगों को टारगेट हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत की जरूरत है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी, उतनी बड़ी सफलता अभी आपकी कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय मेहनत करने की जरूरत है और लोगों पर भरोसा करने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि धोखा हमें तभी मिलता है जब हम एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे से उम्मीद अभी नहीं रखना चाहिए, जो भी करना है खुद के बलबूते करना है, इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। माता रानी आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुशहाल रखे। जय माता दी।